हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता और आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगेन वेट लॉस, इंच लॉस के ऊपर। ये उन लोगों के लिए है जो लोग खूब सारी डाइटिंग करते हैं और फिर भी उनका वेट कम नहीं हो पा रहा है ड्यू टू एनी रीज़न, और जो लाइपोसेक्शन कराने से डरते हैं, तो उनके लिए वीडियो है। कोई भी आपको प्रोसीजर नहीं कराना है, कोई भी सर्जिकल, कोई भी इंजेक्शन, कुछ भी आपको नहीं लेना है, ना ही इसमें कोई बहुत ज़्यादा डाइटिंग करनी है। बट एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो मैं बताऊँगा कि आपको क्या ध्यान रखना है। और इसके थ्रू ये इट्स अ वेरी गुड चाइनीज़ मेडिसिन है, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है। इसमें हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट है, ये नॉर्मल मेडिसिन नहीं है। इट्स अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ हर्ब्स, जो डिस्टिल्ड वाटर के थ्रू, मतलब डिस्टिलेशन के थ्रू उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो रियली रिजल्ट्स देती है। मतलब कंपनी क्लेम करती है कि डेली नाइट में आप इसको अप्लाई करेंगे, आपको दिन में दो बार अप्लाई करना है, डेली अप्लाई करेंगे, जब नेक्स्ट मॉर्निंग आप उठेंगे आपको अराउंड 2 से 3-4 पाउंड डेली कम मिलेगा। मतलब डेली कम मिलेगा 2 से 3 पाउंड, रियली मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही मस्त चीज़ है। इसके रिजल्ट्स बिफोर आफ्टर कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो वेबसाइट पे डले हुए, मैं आपको बताऊंगा कैसे। इसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ता है, एंड वो है कि पानी का कुछ ज़्यादा इसमें प्रिकॉशन दिया हुआ है, तो मैं आपको बताऊँगा कि क्यों और कैसे क्या करना है। इसके पहले आपको ये प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, इट्स विथ वेरी गुड पैकिंग और पूरे में चाइनीज़ में लिखा हुआ है। बट चाइनीज़ की जो मेडिसिन होती है ना, ट्रेडिशनल मेडिसिन, वो बहुत ही इफेक्टिव होती है। जब इसको खोलेंगे तो बहुत ही सुंदर सी दो बोतलें निकलेंगी, और कन्फ्यूज़ होकर दो बोतलें हैं तो देखो इसमें कंपनी ने क्या किया, मैं भी कन्फ्यूज़ था कि दो बोतलों को कैसे यूज़ करना है। तो एक इतनी बड़ी बॉटल है, ये आप घर पर रख सकते हो, और एक छोटी बॉटल है सेम मेडिसिन, इसके अंदर भी 30 ml का है, ये 90 ml की, तो वो 120 ml आपको मिलता है। इसको आप अपने कहीं आप ट्रेवलिंग करते हैं तो अपने बैग में डाल सकते हो ताकि आपका ये रिजिम टूटे ना, इसको आप रेगुलर फॉलो कर सकते हो। तो इसके अंदर बहुत कुछ कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट इसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करा है, तो कंपनी ने मुझे डिटेल भेजा है इंग्लिश में, तो जो मैं आपको एक बार पूरा समझा देता हूँ। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डाइटिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसको कुछ चीज़ें इसमें, जो अगर आप रेगुलर फॉलो करेंगे जैसा कंपनी कह रही है तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, और एल्स रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इसमें 5 चीज़ें जो एक बहुत ही बेसिक है, मैं आपको फर्स्ट 5 चीज़ें बता देता हूँ। तो इसको जब भी आप यूज़ करें तो इसको अच्छे से हिला के यूज़ करें, आपको अच्छे से हिलाना है पहले और फिर उसको लेके हाथों से फिर लगाना है, मैं आपको बताऊंगा लगाने का तरीका भी, ठीक है। तो मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो खाली पेट आपको इसको स्प्रे करना है अपने टमी में, सिर्फ अम्ब्लाइकस के जो नाभि है उसके चारों तरफ आपको लगाना है, वहीं से एब्जॉर्ब होगा, ये फुल बॉडी में इफेक्ट देगा। लगाना आपको सिर्फ नाभि में, नाभि के चारों तरफ है, आपको ऐसे नहीं हाथ पैर में लगाना है, वहाँ पे नहीं लगाना है, सिर्फ नाभि के चारों तरफ लगाना है अम्ब्लाइकस के, और फिर इसको 10 दिन के क्लॉकवाइज आपको ऐसे ऐसे रब करके इसको एब्जॉर्ब कराना है। सिंपल सा प्रोसीजर है, ठीक है। इसके बाद आप टॉयलेट जाइए, मॉर्निंग में खाली पेट उठ के आपने इसको अच्छे से हिलाया, हिला के निकाला और फिर लगा लिया। इसके बाद आपको बाथरूम जाना है, टॉयलेट जाइए और अपने फ्रेश हो जाइए, ठीक है। और इसके बाद आपको वेट नापना है डेली, आपको इसमें इसमें शीट आती है, उसमें शीट में आपको डेली आपका वेट नाप के लिखना है कि आज आपको कितना है, स्टार्ट करने के पहले कितना है, डेली आपका क्या क्या खा रहे हैं और क्या क्या आपका कितना कितना वेट लॉस हो रहा है वो आपको मेंशन करना है डेली। उसमें 500 ml कुनकुना पानी, गर्म पानी जो होता है कुनकुना पानी, वो आपको पीना है, ठीक है। डेली आपको 500 ml उठने के बाद आपको ये पीना है ताकि आपका जो टमी है ना वो थोड़ा रेडी हो जाए ब्रेकफास्ट के लिए। तो इसमें जो कुछ है, और ब्रेकफास्ट इसमें आपको बहुत न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट लेना है, ठीक है। और जो वार्म वाटर्स में कहा है कि कंपनी कहती है जो है कि वार्म वाटर आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, और जो कोल्ड वाटर होता है ना वो आपके वेट को और बढ़ा देता है। तो अगर सुबह उठ के अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी का वेट और बढ़ेगा, और अगर आप वार्म वाटर पीते हैं तो वो कम हो जाएगा। तो इसको करना कैसे है, बहुत ईजी है, मैं आपको यूज़ करने का तरीका बता देता हूँ। इसको आपको मॉर्निंग में उठ के आप इस तरीके से इसको हिला के आपको इसको ऐसे लेना है, और लेने के बाद इसको ऐसे 10 बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके इसको रब करना है और मसाज करके छोड़ देना है ताकि ये एब्जॉर्ब हो जाए और इसको आप कुनकुना पानी पी सकते हैं। इसके बाद इसकी स्मेल टोटली डिफरेंट है, कुछ हर्ब्स की स्मेल है, ये नॉर्मल ऑयल नहीं है, लिक्विड है, पानी है। और ओके, तो आपको ऐसा 2 से 3 बार करना है, लेके और करना है, ओके।
और इसके बाद इसमें कहते हैं कि वर्क कैसे करता, तो मैं आपको इसको बता दूं। इसको आपको दो दिन में दो बार अप्लाई करना है, ओके, ट्वाइस अ डे करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि 3 बजे के बाद आपको पानी नहीं पीना है, आपको ये पानी 3 बजे के बाद नहीं पीना है, शाम को 3 बजे के बाद आपको पानी नहीं पीना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, तभी आपका वेट लॉस होगा। ये इसकी जो वर्किंग है टोटली डिफरेंट है, नॉर्मल मेडिसिन नहीं है, इसकी वर्किंग टोटली डिफरेंट है। मैं आपको समझाऊंगा आगे, इसमें पूरा दिया हुआ है कि कैसे वर्क करता है। मगर 3 बजे के बाद आपको पानी नहीं पीना, 3 बजे के पहले आपको जितना पानी पीना पियो, मगर दोपहर में 3 बजे के बाद आपको पानी नहीं पीना है, ठीक है। तो उसको दिन में दो बार लगाना है, ट्वाइस अ डे, खाली पेट लगाना है। एंटी स्टोमक आपको यू हैव टू अप्लाई और रात में बिफोर गोइंग टू बेड। अगर फीमेल अप्लाई करें तो उनको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो उस समय इसको नहीं लगाना है, तो यू हैव टू अवॉइड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। स्प्रेइंग जो है वो तो ओके, तो ये तो आपको बता दिया है मैंने। डाइटरी प्रिकॉशन इसमें ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, डाइट का इसमें आता है, आपको नॉर्मल अच्छा खाना खाना है, रात में आपको थोड़ा कम करना है, आपको पोटैटो नहीं लेना है, राइस नहीं लेना है, राइस लें तो बॉइल्ड राइस लीजिए, आप ले सकते हो, बट कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें और फैट वाली चीज़ें आपको थोड़ी अवॉइड करनी है। ब्रेकफास्ट आपको अच्छा हैवी करना है, क्योंकि वही आपके दिन भर के लिए एनर्जी देगा। लंच आप टाइमली करिए, इसमें टाइमिंग दी है जो मैं बता देता हूँ आपको, जो ब्रेकफास्ट है 8:30 के पहले आपको कंप्लीट कर देना चाहिए। क्या खाना है वो उसमें दिया हुआ है, लंच 1 बजे के पहले कंप्लीट कर देना चाहिए आपको, और डिनर बिफोर 6:00। सी आपको बहुत ज़्यादा डिनर में बहुत ज़्यादा खाली पेट भी नहीं रहना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो खाली पेट रहते हैं, भूखे रहते हैं कि भाई हम तो वेट लॉस करना है, हम रात में खाएंगे नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप खाइए बट कम खाइए, और खासकर कोशिश करिए कि फ्रूट्स खाइए, ककड़ी खा लीजिए, अच्छा स्वीट फ्रूट्स नहीं खाने हैं इसमें, अवॉइड करना है। इसमें फ्रूट्स भी दिए हुए हैं जो आपको लो शुगर फ्रूट्स होते हैं वो आप खाइए इसमें, और हाई शुगर फ्रूट्स को आपको अवॉइड करना है। तो डिनर में आप ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, और डिनर अच्छा ले सकते हो, बट 6-7 बजे तक आप खत्म कर दो। मैं जानता हूँ 6 बजे बहुत अर्ली हो जाएगा हम इंडियंस के लिए, मगर कोशिश करिए 7:00 के बाद आप कुछ भी ना खाएं, ठीक है, ओके। तो इसमें कहा है कि द बॉडी विल ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन, ओके। तो हमारी जो बॉडी होती है वो 3 बजे के बाद जब हम इसको फॉलो करते हैं तो हमारी बॉडी हमारी जो बॉडी होती है वो फैट को ऑटोमेटिकली ब्रेक करना स्टार्ट कर देती है 3 बजे के बाद। तो याद रखिए 3 बजे के बाद अगर आप पानी पीते हैं तो वो फैट की जगह आपके वाटर को ब्रेक करेगी। दैट्स वाई इसमें कहा गया है कि आपको वेट लॉस करना है अगर, तो आपको 3 बजे के बाद दोपहर में पानी नहीं पीना है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इसको, अगर आपने कर लिया तो अगर अब आप बोलोगे हमको प्यास लगी, गर्मी का मौसम आने वाला है, तो कोई बात नहीं, आपको प्यास अगर लगती है तो आप जूसी फ्रूट्स खाइए, लाइक संतरा खा लीजिए, या आप कोई भी ऐसे जूसी फ्रूट्स खा सकते हो, फ्रूट्स में कोई दिक्कत नहीं है। आप 9 बजे के पहले पहले तक कुछ भी खा सकते हो, फ्रूट्स वगैरह कुछ भी, अगर आपको प्यास लगती तो संतरे वंतरे हैं, ऑरेंज है, पीच है, प्लम है, कीवी है, स्ट्रॉबेरी है, बहुत सारे ड्रैगन फ्रूट है, वर्जिन फ्रूट है, क्यूकम्बर है, सब कुछ खा लो खूब सारा। इसमें जो मेन है वो है खाने का डाइट, इसमें पूरा दिया हो क्या क्या खा सकते हो, कोई नॉन वेज वेज सब खा सकते हो, बट इम्पॉर्टेंट है कि जो चीज़ें बताइए वो आपको फॉलो करना है, ओके। तो ब्रेकफास्ट तो ब्रेकफास्ट क्या करता है, तो जो अच्छा इसमें सब दिया है कि जिसका वीक डाइजेस्टिव फंक्शन है टमी का, तो उसके लिए कौन सा ब्रेकफास्ट खाना है वो भी दिया हुआ है और सब कुछ, ओके। तो इसमें एक चीज़ और बताया, प्रिकॉशन बताया कि जब आप ये चीज़ फॉलो करते हैं तो एकदम से सोने के पैर तो एकदम से ना उठें, ठीक है। आप जब जाग जाएं तो थोड़ी देर 10-15 मिनट आप लेटे रहें और धीरे, और वार्म वाटर पीना आपको, ठीक है, गुनगुना पानी पीना है, एकदम गर्म पानी नहीं पीना, गुनगुना पानी पीना है, और नींबू डाल के पी लो ज़्यादा अच्छा है, तो उसमें डुअल बेनिफिट मिल जाएगा। और तो आपकी स्टोमक क्लीन होती है एक्चुअली, वेट अंटिल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज फुल, ओके, ठीक है। उसके बाद आपको 15-20 मिनट बाद आप जब पी लेंगे ना तो गुनगुना पानी, ताकि आपका जो टमी है वो जाग जाएगा नींद से, क्योंकि आप तो सो के उठे हो, तो उसके बाद आप जब कोई ब्रेकफास्ट करेंगे तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, ओके। इसमें और चीज़ें हैं कुछ, हाँ, मैनी पीपल विल हैव अ मिसअंडरस्टैंडिंग दैट दे फील दैट दे लूज वे मोर वेट इफ दे ईट लेस, हाउएवर दे रन काउंटर टू द प्रिंसिपल ऑफ वेट लॉस, ब्रेकफास्ट इज एन इंपॉर्टेंट मील टू ओपन द मेटाबॉलिज्म, वी मस्ट पे अटेंशन। तो इसमें कहा गया है कि बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, क्लियर नहीं करते हैं, उनका दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि वो जितना कम खाएंगे उतनी जल्दी वेट लॉस होगा, ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। और ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करने के लिए, तो ब्रेकफास्ट तो हैवी लेना चाहिए।
सुबह 7 से 9 हमारी बॉडी क्या कर, इसमें पूरे टाइम के साथ बताया गया कि हमारी बॉडी दिन भर 24 घंटे कैसे वर्क करती, क्या करती है बॉडी जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, उसके बाद डाइजेस्ट कैसे करती है, कब अब्जॉर्ब करती है, कब वो रिकवरी फेज में जाती है, वो मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो इसमें सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच हमारी बॉडी जो होता है वर्किंग टाइम होता है स्टोमक का, तो और 9 से 11 के टाइम के दौरान बीच में वो जो हम खाते हैं ब्रेकफास्ट वो इंटेस्टाइन में भेज देती है, ठीक है। तो 7 से 9 के बीच हम जब ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो वर्किंग टाइम होता है, और जब 9 से 11 के बीच वो जो भी चीज़ होती है वो टमी में जो भी चीज़ होती है वो हमारे इंटेस्टाइन में भेज देती है। बट एक चीज़ इसमें जो ऐसे में लिखा हुआ है कि अगर आप ब्रेकफास्ट टाइमली नहीं करते हैं तो वो आपके हवा जो होती है वो आपके उधर भेज देती है इंटेस्टाइन में टमी, तो जो कि आपको और दिक्कत वाले काम पेपर हो जाते हैं, लोग टाइमली नहीं खाते उनको पच पच और बहुत कुछ दिक्कत होती है, ऐसा ऐसा उसमें लिखा हुआ है। ब्रेकफास्ट में क्या करना है इसका पूरा लिखा हुआ है, इसमें चार्ट दिया हुआ आप ले सकते हो, इसमें फोटो भी दी हुई है खाने की जो खा सकते हो आप। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखने का है बस मैं आपको वो बता देता हूँ, बाकी तो जब आप खरीदेंगे इसको पढ़ सकते हैं। 3 बजे से 5 बजे के बीच जो ब्लैडर पीरियड होता है इज़ द बेस्ट टाइम टू ब्रेक डाउन आवर फैट। 3 बजे से 5 बजे के बीच हमारी बॉडी इस ब्लैडर टाइम कहते हैं, इन्होंने कहा है ब्लैडर टाइम जो हमारी बॉडी फैट को ब्रेक करती है, अगर उस समय हम पानी पीते हैं तो वो पानी को ब्रेक करने लगती है, फैट को ब्रेक नहीं करती है। तो रिमेंबर 3 बजे के बाद आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना है, अगर आपने ये चीज़ फॉलो कर ली तो आपको रिजल्ट डेली मिलेगा, ठीक है। और ईट मोर लो शुगर फ्रूट्स टू एड वाटर एंड विटामिन मेक बोथ मेक अवर बॉडी हेल्दियर एंड अवर स्किन मोर ग्लोइंग हाइड्रेटेड एंड शाइनी। तो आपको लो शुगर फूड खाना है ताकि वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करे और आपके स्किन को शाइनी बना दे। और इसमें क्या लिखा है कि 3 बजे से 5 बजे के बीच में आफ्टरनून में होता है कि आपको ज़्यादा प्यास लगेगी, बिकॉज बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन मोड में होती है तो फैट को ब्रेक करती है, तो आपको ज़्यादा प्यास लगती है, बट आपको पानी नहीं पीना है। 3 बजे के पहले जितना पानी पीना है पी लो, 3 बजे के बाद नहीं पीना है। अगर आपको भूख लगती है, प्यास लग रही है कुछ, तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फ्रूट्स की वैरायटीज में दी हुई है बहुत सारे हैं, आप वो खा सकते हैं। देखो ये उन्हीं लोगों के लिए जो सीरियसली अपनी बॉडी को सीरियसली वेट लॉस करना चाहते हैं, ये हर किसी के लिए नहीं है कि आप हो यार पानी नहीं पिला रहे, ये नहीं कर रहा। प्लीज़ अगर आप सीरियसली हो अपनी बॉडी के लिए तो ही आप इस चीज़ को खरीदेगा और फॉलो करेगा, वरना आप पैसा वेस्ट करेंगे, ठीक है। डिनर आप अच्छा कर सकते हो, जो आपको खाना है पेट भर के खाना, कंजूसी नहीं करना है ना, कमी इसमें कहीं नहीं छोड़ी, आप सब खा सकते हो, बट टाइमिंग दी हुई है कि उसके पहले आपको क्या खाना है। रात में आपको 9 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है, प्लीज इंपॉर्टेंट है इसमें, 8 बजे 9 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। और वो क्यों नहीं खाना है वो भी उसमें बता देता हूँ आपको। हम रात में जब खाते हैं 8-9 बजे हमारे डाइजेशन स्लो हो जाता है, क्योंकि रात का समय होता है, बॉडी धीरे धीरे रिकवरी मोड में जा रही होती है। तो आप जब रात में खाते हो खाना तो वो डाइजेस्ट प्रॉपर हो नहीं पाता, और रात भर इंटेस्टाइन में वो सड़ता रहता है और टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं, वो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्ब होकर वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जो हमारी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम और सब कुछ जो इश्यूज हैं वो सब होने लगती हैं। तो प्लीज़ आप 6 से 7 बजे के बीच बीच अपना डिनर कर लीजिए, हैवी डिनर मत करो आप, प्लीज़ खा लीजिए कोई भी थोड़ा बहुत खा के, उसको फ्रूट्स खा के कंप्लीट कर लीजिए, थोड़ा बहुत खाइए बाकी फ्रूट्स खा लीजिए, फाइब्रस चीज़ ज़्यादा खाइए ताकि वो आपकी बॉडी को क्लीन कर सके, तो क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो शाम का वक्त जो रात में अगर आप ज़्यादा हैवी खा के सो जाएंगे तो वो आपके बॉडी में रात भर इंटेस्टाइन में पड़ा रहेगा और डाइजेस्ट नहीं होगा प्रॉपरली, और वो टॉक्सिन्स क्रिएट करेगा, सड़ेगा वहाँ पे अंदर जाके, स्टिंक करेगा। तो प्लीज़ इसको चीज़ को अवॉइड करना है। अगर आपको भूख लगती है रात में 9 बजे के पहले पहले आप फ्रूट्स खा सकते हो, कोई भी फाइबर चीज़ें खा सकते हो। अरे ओके, तो इसमें लिखा है कि 5 से 6 बजे के बाद जो आप भी खाना लंच करते हो तो उस समय बॉडी क्या करता है, वो सबको न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके स्टोमक से इंटेस्टाइन में जाते हैं, वो बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो जो एन ईटिंग टाइम है 7 turn into our fat, अगर 7 बजे के बाद आप खाते हो वो सब कुछ फैट में कन्वर्ट होने लगता है। ओके ओके, तो रात में 9 बजे से 11 बजे के बीच क्या होता है, तो डिटॉक्सिफाई इम्यून सिस्टम एंड लिसन टू क्वाइट म्यूजिक। इसमें कहा गया है कि आप थोड़ा साइलेंट प्यारे छोटे छोटे जो आपको अगर कुछ कोई भी गाने पसंद हो आप उनको कान में स्पीकर लगाइए, आपके ईयरबड लगाइए और सुनिए ताकि बॉडी रिलैक्स हो, रिलैक्स। तो आपको रिलैक्स होना है 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच, आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई, आपका इम्यून सिस्टम डिटॉक्सीफाई करता है अपने आप को। देखो ये बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई हैं, इसको समझिएगा। और रात में 3 11 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक लिवर अपने आप को डिटॉक्सीफाई करता है, तो लिवर का डिटॉक्सीफिकेशन फेज चलता है रात में,
ठीक है, तो जब हम डीप स्लीप में जाते हैं तो लीवर अपने आप को डिटॉक्सीफाई करता है, दिन भर का जो गंदगी से एक्युमुलेट करती है उसको डिटॉक्सीफाई करता है। मिडनाइट 4 AM इज अ पीरियड ऑफ स्पाइनल हेमाप्टोपोइसिस। इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू स्टे अप लेट। रात में जागना गलत बात है, गंदी बात है, तो अच्छे बच्चों की तरह राजा बेटा की तरह सो जाया करो। 1 बजे से 3 बजे के इन द मॉर्निंग द बाइल डिटॉक्स। ओके, तो सुबह 1 बजे से लेकर 3 बजे तक हमारी बॉडी का जो बाइल होता है वो डिटॉक्स होता है। 3 to 5 AM लंग डिटॉक्स, लंग्स अपने आपको डिटॉक्स करते। देखो जब हम सोते हैं ना तो बॉडी अपने आपको रिकवरी मोड में जाके पूरा डिटॉक्सीफाई करती है, डिटॉक्सिफिकेशन फेज चल रहा होता है। अगर आप रात भर जागेंगे तो वो डिटॉक्सीफाई नहीं कर पाएगी अपने आपको, तो वो अगेन जो टॉक्सिन्स है वो हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होते रहेंगे। तो प्लीज डिटॉक्सीफाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी बॉडी से गंदगी निकल सके। तो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक लंग्स अपने आपको डिटॉक्सीफाई करते हैं। 5 बजे से लेकर 7 बजे तक सुबह बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, तो आपको डिफिकेट करना है, पॉटी जाना है, पॉटी जाकर अपना पेट को खाली करना है, गंदी चीज सब बाहर निकाल देना है, जो रात भर में सब कुछ मलबा इकट्ठा हुआ है इसको जाके आउट। और फिर 7 बजे से 9 बजे के बीच आपके इंटेसेंट रेडी हो जाती है, जब वो डिफिकेट करती है तो आपको रेडी हो जाती है, वापस आप ब्रेकफास्ट कीजिए और अपने गर्म पानी पीना है, आपको याद रखें गर्म पानी पीना है। गर्म पानी पीने के बाद आप उसको रेडी करना है और फिर आप ब्रेकफास्ट कीजिए, हेल्दी हैवी ब्रेकफास्ट। कुछ 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 फॉर्म भी इसमें दिया हुआ जो आपको रेगुलर फॉलो फीड करना है ताकि आपको पता चल सके कि आप कितना कम कर रहे हैं। तो कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, उनका कहना है कि 1 महीने में आप अराउंड 10 to 15 या 20 kg भी कम कर सकते हैं सिर्फ ये अप्लाई करने से और जो छोटी छोटी चीज़ें बताई वो फॉलो करने से। आपको कोई बहुत हैवी कीटो डाइट नहीं करनी है, कोई बहुत हैवी डाइटिंग नहीं करनी है, आपको जो खाना है खा सकते हैं, हेल्दी चीज़ें खाइए बस, कोई ऐसा और टाइमिंग इंपॉर्टेंट है खाने की। तो जेन्यू में आपने देखा होगा बहुत सारे जेन्यू लोग होते हैं वो 6 बजे के पहले खाना खत्म कर देते हैं अपना, तो ये वो सब चीज़ें जो दी है ना कुछ कहीं ना कहीं बॉडी के को हेल्प करती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि वो लोग रात में नहीं खाते, तो हमें दूसरे धर्मों से भी सीखना चाहिए। तो अगर आप लोग नहीं सीख पाए तो मैं आपको सिखाने के लिए बैठा हूँ, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें टिप्स बताता जाऊँगा। तो ये जो है ये बॉक्स में 2 बॉटल्स आती हैं, एक है बॉटल जो बड़ी बॉटल है 90 ml की और एक छोटी बॉटल 30 ml की, जो मेडिसिन दोनों में सेम है, बट ये है कि एक छोटी बॉटल आप कैरी करने के लिए दिया हुआ है, आपने बैग में डालो, कहीं भी डालो, कार में डालो, कहीं भी डालो, आपको अप्लाई करना है। एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, अगर आप किसी दिन आप पार्टी में चले गए, आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप चीज़ पार्टी में चले गए उसको फॉलो नहीं कर पाए तो प्लीज़ इसको अप्लाई मत करिएगा, वरना रिवर्स एब्जॉर्प्शन कराने लगेगा। ये याद रखिएगा, जब हम सुबह करते हैं तो ये बॉडी को क्लीन करता है और रात में डिटॉक्सीफाई करता है ये मेडिसिन। तो अगर आपने पानी पी लिया पिया है या कोई अच्छा फैटी डाइट खाई है, हैवी डाइट खाई है, तो ये बॉडी और इसको लगाया तो अगर आपने डाइट वैसा फॉलो नहीं करा तो ये बॉडी में रिवर्स एक्यूमुलेशन करने लगेगा, तो वो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। तो आपको डेली वेट नापना है, आपको पता रहेगा कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। तो ये मिलेगा कहाँ पे? ये मिलेगा lescomic.com पे, उसकी प्राइस है 20,000 rupees, जिसमें आपको अराउंड 10 से 15 किलो कम हो जाएगा। 20,000 का ये बैग आता है, पूरा पैक आता है इसमें 2 बॉटल्स का। तो ये मिलेगा आपको www.lescomic.com पे, बट चिंता क्या करना है यार, lescomic वाले फ्री में वहाँ पे जाओगे आप तो सब कुछ फ्री में मिल जाएगा, आपको करना कुछ नहीं है। वहाँ पे जाके जो जब आप वेब ब्राउजर में अपना प्रोडक्ट खोलेंगे और वहाँ पे रिकमेंडेड नाउ करके एक टैब होगा, कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर देखिएगा, वहाँ पे क्लिक करिएगा, उस प्रोडक्ट को आप फेसबुक पे शेयर करोगे, फेसबुक पे शेयर करोगे तो आपको 20 रुपये मिलेगा, 20 रुपये का रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। आप जितनी बार शेयर करोगे 20-20 रुपये इकट्ठा होता जाएगा आपके अकाउंट में। आपकी जो लिंक से अगर कोई आपका फ्रेंड कोई भी चीज़ परचेस करता है तो आपको 200 रुपये मिलेगा रिवॉर्ड पॉइंट, तो वो भी एक्यूमुलेट होता जाएगा। आप इकट्ठा कर लो और उसको परचेस कर लो फ्री में, बहुत सारे प्रोडक्ट आप जाके खरीद सकते हो फ्री में, तो टेंशन तो लेने नहीं, महंगी चीज़ें हैं तो कोई मतलब नहीं है, इन लोगों को महंगी महंगी चीज़ें ढूंढ ढूंढ के लाने, तो अच्छी अच्छी चीज़ें अपन तो फ्री में खरीदेंगे। और क्या बताऊँ, ओके, इसके अलावा कोई डाउट है आपको तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरी आईडी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, और मेरा वीडियो कैसा लगा इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और बहुत कुछ बता दिया यार।